यूरोप तक पहुंच चुकी थी। दुनिया के इतिहास में किसी और खोज ने इतनी तेजी से सफर नहीं किया था। 1486, सदर्न स्पेन। रेड टर्बन्स की बगावत के 130 साल बाद आजादी के लिए एक और लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसमें सबसे नई बंदूकें इस्तेमाल की जा रही हैं। ये है आर्कबूस। टेक्नोलॉजी तो लगातार सुधरती चली जाती है, लेकिन जब बात जंग की आती है तो जिसके पास थोड़ी सी भी बेहतर टेक्नोलॉजी होती है वो ज्यादा फायदे में रहता है। जल्दी जल्दी गोलियां दागो। बंदूकों के यूरोप में आते ही उनमें सुधार होने लगा, ट्रायल एंड एरर वाले तरीके से। वो बंदूक का दायरा बढ़ाना चाहते थे, और इसका क्या तरीका था? वो बैरल की लंबाई बढ़ा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब बारूद ज्यादा होगा तो गोली और दूर तक जा सकेगी। इसके अलावा गोली सटीक निशाने पर लगे, इसके लिए उन्हें उसका लचीलापन या टॉलरेंस बढ़ाना था। वो एक ऐसा तरीका खोजने में लगे थे जिससे बंदूक को सिर्फ एक ही आदमी चला सके, न कि दो। सबसे बड़ा सुधार हुआ ट्रिगर के आने के बाद। ये एक लीवर था जो एक आम या बाहा को चलाता था, और ये एक जलते हुए बारूदी तार को गोली की तरफ ले जाता था। अब फौजियों के पास एक बहुत ही जानलेवा और सटीक हथियार था जिसे आसानी से यहां वहां ले जाया जा सकता था। यहां स्पेन में जो कुछ हुआ वो कोलंबस को नई दुनिया की तरफ जाने में मदद करेगा। कभी सोचा है?